नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता से सीधे जुड़कर उनकी परेशानी का खुद संज्ञान लेते हैं। इसका जीता जागता सबूत है प्रयागराज की एक लड़की नकुश फातिमा, जिसकी शादी 7 तारीख को है। तुमनगंज के कन्हाईपुर की रहने वाली नकुश के घर के बाहर की सड़क पूरी तरह से खराब थी। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे और कूड़े का अंबार लगा था। सड़क बनाने के लिए नकुश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। खत में नकुश ने 7 दिसंबर को अपनी शादी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण दिया और लिखा कि मेरे घर में बारात आएगी और घर के बाहर की सड़क काफ़ी ख़राब है, अगर आप अभी शादी में आएंगे तो आपको भी दिक्कत होगी। इस लेटर को मुख्यमंत्री को भेजने के बाद उसकी फ़ोटो नकुश ने CM के ट्विटर हैंडल पर टैग कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकुश के पत्र पर संज्ञान लिया और सोमवार को रातों रात पूरी सड़क बना दी गई। अब इस सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही है। नकुश के परिवार के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देते नहीं थक रहे हैं। उनका कहना है कि योगी जी सभी के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने हमारी परेशानी का संज्ञान लेकर साबित कर दिया कि उनको हर वर्ग की चिंता है। मोहम्मद जमाल नकुश के चाचा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जी, आपकी बेटी ने एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, क्या लिखा था, उसके बाद क्या हुआ? मेरी बेटी नकुश फातिमा ने एक पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के, उनसे ये आग्रह किया कि आप हमारी शादी 7 दिसंबर को और आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। मतलब ये था कि आप अगर आए और सड़क ख़राब रहे तो इसमें आपको आने में तकलीफ होगी और मेहमानों को भी तकलीफ होगी। एक पत्र लिखा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए हम लोगों का सबका साथ सबका सम्मान और सबके विकास के आधार पर हमारी सड़क बनवाई, उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अच्छा, इस सड़क कब से ख़राब थी और कभी नहीं बन पाई थी बेटे की जब शादी? 2020 में ये पहली बार, 2002 में ये सड़क बनी थी, उसके बाद 2022 में बनी, पूरे 25 साल बाद। बीच में 15 साल पहले एक पैचिंग हुई थी, उसको मैं बनना नहीं मानता हूँ। अच्छा, आपकी बेटी के पत्र का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, सड़क भी बन गई, तो किस तरह से क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी? माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के अभिभावक हैं सारे पूरे उत्तर प्रदेश के, और उसमें 22 करोड़ जनता है उसके सारे के अभिभावक है, इसलिए हमने अपने अभिभावक को हमने खबर दी और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने संज्ञान लिया और तत्काल हमारी सड़क रातों रात भरी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद जमाल अफजल है, मैं अबू बकरपुर का निवासी हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।